हेलो फ्रेंड्स, स्टील स्ट्रक्चर। आज हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का टॉपिक करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे स्टील स्ट्रक्चर के बारे में और स्टील के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, स्टील हैज बीन यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्टील है उसका हम प्रयोग करते हैं वेरियस यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, नाउ अ डेज, आज के दिनों की बात करें, यूज ऑफ स्टील एज अ बिल्डिंग मटेरियल, अगर आज के दिनों की बात करें हम, तो स्टील का हम प्रयोग करते हैं बिल्डिंग मटेरियल के लिए, हैज इंक्रीज्ड ब्रिज। अब हम किस किसके अंदर करते हैं स्टील का यूज, कौन कौन से बिल्डिंग्स हैं, वो है हमारी ब्रिजेस, यानी कि ब्रिज के अंदर हम स्टील का यूज करते हैं। ओवरटेंट, हाई राइज बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ओवर टैंक में यूज करते हैं हम, जो हाई राइज बिल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग उनमें करते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, जो हमारी औद्योगिक बिल्डिंग्स हैं उनमें प्रयोग करते हैं स्टील का। ट्रांसमिशन टावर्स, जो हमारे ट्रांसमिशन टावर्स हैं, जैसा कि आपने देखा होगा रिलायंस आइडियाज इनके टावर्स होते हैं, तो ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं और उसके अंदर हम स्टील का यूज करते हैं एज ए स्टील स्ट्रक्चर। आज सम एग्जांपल, ये सभी एग्जांपल्स हैं स्टील स्ट्रक्चर के, तो यानी कि जब हम ब्रिज के अंदर यूज करेंगे स्टील, ओवर टैंक के अंदर यूज करेंगे स्टील, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर करेंगे स्टील यूज, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर यूज करेंगे स्टील और ट्रांसमिशन टावर के अंदर स्टील करेंगे, तो ये नहीं क्या कहेंगे हम, ये सभी स्ट्रक्चरल मेंबर हैं। नेक्स्ट, द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, अब हम जब डिजाइन ऑफ स्टील यानी कि स्टील के अंदर डिजाइन करते हैं, जब हम स्टील को डिजाइन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या की क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य है। तो फर्स्ट है प्लानिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हमें किसी भी स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो हमारे पास सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए कि किस तरीके से हम स्टील स्ट्रक्चर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर टू कैरी लोड इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर एंड कंसिडरेशन फॉर इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ साइट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारा प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चर और सेकंड पॉइंट है प्रोपोर्शनिंग ऑफ मेंबर, यानी कि स्टील स्ट्रक्चर के अंदर क्या करेंगे हम, जो मेंबर्स हैं उन्हें प्रोपोर्शनिंग में लेंगे यानी अनुपात में लेंगे, ठीक है, और क्यों लेंगे, ताकि जो लोड कैरी कर रहे हैं ये कैरी लोड इज मोस्ट इकोनॉमिकल, यानी कि जो लोड कैरी करे तो उसकी जो खर्चा है, जो उसकी लागत है इकोनॉमिकल आए। एंड इरेक्शन, इरेक्शन का अर्थ है निर्माण, तो हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना है कि जब हम निर्माण कर रहे हो स्ट्रक्चर साइट, स्ट्रक्चर का किसी साइट पे, तो हमें क्या याद रखना है, प्रोपोर्शनिंग ऑफ द मेंबर एंड स्टील स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, इन मार्केट, जब हम मार्केट में जाते हैं तो नंबर ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन आर अवेलेबल, तो हमें आसानी से रोल्ड स्टील सेक्शन मिल जाते हैं। रोल्ड स्टील सेक्शन क्या है, ये स्टील के टाइप्स हैं, स्टील के जितने भी टाइप्स हैं उनमें से एक है रोल्ड स्टील सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ रोल्ड स्टील फॉर अ पर्टिकुलर मेंबर, जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी विशेष रोल्ड स्टील का, तो उसके लिए हमें
क्या करना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बातें हैं, फर्स्ट इट हैज लेस वेट, यानी कि जब हम मार्केट में गए और हमें सिलेक्शन करना है रोल्ड स्टील अ पर्टिकुलर मेंबर, यानी कि विशेष जो मेंबर है उसके लिए हमें रोल्ड स्टील सिलेक्ट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इट हैज लेस वेट, जो रोल्ड स्टील सेक्शन है उसके लिए जो स्टील है वो हमारी लेस वेट की होनी चाहिए, यानी कम वजन की होनी चाहिए। बट लेकिन एक कंडीशन और जुड़ी होनी चाहिए उसके साथ, विल बी एबल टू कैरी एंटायर लोड, कि वो तोलने में तो हल्की हो परंतु उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो संपूर्ण वजन को यानी संपूर्ण लोड को झेल सके। तो इस तरह की हमें रोल स्टील सिलेक्ट करने होती है। नेक्स्ट, इन इंडिया हम बात करें, इंडिया के अंदर मेनली Fe410 ग्रेड। Fe410 क्या है, ये स्टील की ग्रेड है, ठीक है। Fe है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ओके। माइल्ड स्टील इज यूज, यानी कि जब हम भारत के अंदर बात करें तो जो माइल्ड स्टील है उसका हम प्रयोग करते हैं किस ग्रेड में, Fe410 में। नेक्स्ट, हाई स्ट्रेंथ स्टील आर नॉट यूज इन रोल्ड सेक्शन, जो हाई स्ट्रेंथ स्टील है उसका हम कभी भी प्रयोग नहीं करते रोल्ड सेक्शन में, यानी कि जब हम अपना एक रोल्ड सेक्शन बना रहे हों तो उसके अंदर हाई स्ट्रेंथ स्टील का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील, जब हम हाई स्ट्रेंथ स्टील का प्रयोग करते हैं देन क्या होता है, मे रिड्यूस द वेट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, यानी कि जो स्टील हमें रिक्वायर्ड करी जा रही है स्टील स्ट्रक्चर के अंदर उसका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो स्टील है कौन सी, हाई स्ट्रेंथ स्टील। साथ ही साथ एंड सब्सिक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, और बाद में जब आप यूज करेंगे हाई स्ट्रेंथ स्टील क्योंकि उसका वेट क्या है, लेस है, कम है, और साथ ही साथ क्या होगा, कॉस्ट जो होगी स्ट्रक्चर की वो भी कम हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील वो स्टील है जो स्ट्रक्चर के अंदर यूज होता है। तो आइए हम इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, स्टील स्ट्रक्चर इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, यानी कि हम बात करें स्टील स्ट्रक्चर की, तो ये क्या है स्टील स्ट्रक्चर, एक अलॉय है यानी कि मिश्र धातु है। अगर मिश्र धातु है तो किस किस से मिलकर बनी है, आयरन से और कार्बन से, यानी कि हम कहेंगे कि जो स्टील स्ट्रक्चर है वो एक मिश्र धातु है जो कि लोह और कार्बन से बनी है। नेक्स्ट पॉइंट, इन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टील कार्बन कंटेंट इज बिटवीन 0.2 to 0.35% विद इंक्रीज इन। तो ये कहता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टील है उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है उसकी कितनी मात्रा है, कार्बन कंटेंट यानी कार्बन की कितनी मात्रा है, तो मात्रा है 0.2 to 0.35% तक। यानी कि आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टील क्या है तो आप बताएंगे कि अगर उसके अंदर कार्बन कंटेंट बिटवीन टू 0.2 to 0.35% है देन ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील है। अब आप ये देखेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टील है उसके अंदर कार्बन कंटेंट हमने मिला, अब हमने कार्बन कंटेंट तो पता चल गया कि
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट या इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक पुट करना है। अब हमें ये जानना है कि हमने कार्बन कंटेंट की जो वैल्यू है ये पुट तो करी, उससे चेंजेस क्या हुए। तो हम बात करें कि स्टील जो है उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी हुई, इंक्रीजमेंट हुई, तो वो क्या हुई, परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की परसेंटेज बढ़ी, स्ट्रेंथ यानी कि स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ी, हार्डनेस यानी कि स्टील की कठोरता बढ़ी, ब्रिटलनेस ऑफ स्टील यानी कि जो ब्रिटल प्रॉपर्टी है स्टील की वो बढ़ी। ब्रिटल प्रॉपर्टी होती है जो बिना आपको सूचित करे एकदम फेलियर हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी स्लैब है और आपने अपनी स्लैब में ब्रिटल स्टील यूज कर रखी है, तो क्या होगा, जब उस पर लोड पड़ेगा तो वो सडनली फेलियर हो जाएगी, जिससे एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरल स्टील इज यूज्ड। अब हमें ये जानना है कि जो स्ट्रक्चरल स्टील है वो यूज कहाँ कहाँ पे होती है। बिल्डिंग्स में यूज होती है, ट्रसेज में यूज होती है। ट्रसेज आपने देखे होंगे, जो आपने जब गांव में जाओगे तो आप झोपड़ी देखते हैं इस टाइप की, तो ये जो छत है ये स्टील की होती है, तो हम इसे ट्रसेस कहते हैं, ठीक है। छत, स्पेस फ्रेम्स यानी अंतरिक्ष में यूज होने वाले फ्रेम्स, ब्रिजेस, पुल, इन इन जगह हम स्ट्रक्चर स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ स्टील। अब हमने स्टील यूज तो करी, अब इसका एडवांटेज क्या है, लाभ क्या होंगे हमें पता होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी कि निर्माण करने की जो गति है वो बढ़ेगी, प्री फैब्रिकेशन और पूर्व निर्माण कर सकते हैं हम किसी का भी, और डी मॉन्टेबिलिटी। तो ये चार पॉइंट्स हैं, ये चार पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि एडवांटेज ऑफ स्टील के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील डिपेंड अपॉन, यानी कि अगर हम बात करें स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, ये जानना है हमें। तो वो डिपेंड है केमिकल कंपोजिशंस पे, रोलिंग मेथड्स पे एंड हीट ट्रीटमेंट पे। केमिकल कंपोजिशन में केमिकल से रिलेटेड जो है पॉइंट्स वो जानेंगे हम स्टील में, कि जो स्टील है स्टील के अंदर जो कार्बन और आयरन यूज हो रहा है उनके बीच में क्या केमिकल कंपोजिशन है। नेक्स्ट, रोलिंग मेथड, जब आप स्टील को रोल कर रहे हैं तो वो किस मेथड से कर रहे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, रोलिंग मेथड। एंड नेक्स्ट, हीट ट्रीटमेंट, अब आपने शेप तो दे दी, अब आपको हीट करना है तो किस टेम्परेचर पे हीट करना है, ये सब बातें आपको जाननी है। एक बात नोट करने वाली है, ठीक है, इससे पहले ये तीनों फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं किस पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील पे। तो आइए हम एक जो नोट है उस पे ध्यान देते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज क्लासिफाइड, उसने वर्गीकृत करा स्ट्रक्चरल स्टील को बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि आपसे कोई पूछे कि जो स्ट्रक्चरल स्टील है वो क्लासिफाई है किस आधार पे, तो आप कहेंगे यील्ड स्ट्रेंथ के आधार पे हमारा स्ट्रक्चरल स्टील क्लासिफाई है।